हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर शुरू कर दीझिएगा। वो मसलसल सर झुकाए बैठी रो रही थी कि तभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बारी बूटों की दमक सुनाई दी। एक शख्स सूटेड बूटी वहाँ पर आता दिखाई दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर नकूश बिगड़े हुए थे। इरम का दिल एक पल को स्पीड पकड़े गया था। उसने अपने कोट के आगे के दो बटन खोलते वहाँ पर मौजूद डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लिए। डॉक्टर उसे तमाम इन्फॉर्मेशन बताता एक इशारा इरम के जन्म कर गया था। इरम घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। उस शख्स के साथ असली स्मिथ गार्ड्स भी मौजूद थे। उस शख्स के माथे पर दो बल पड़े हुए थे। एक सरसरी नजर उसने इरम पर डाली थी। इरम को उसकी एक नज़र से ही खौफ सा महसूस हुआ था। इस वक्त वह खुद वहाँ पर जमी बैठी थी। उसका हाथ और बाजू शदीद जमी हालत में थी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो ना दी थी और ट्रीटमेंट भी नहीं किए थे। गुलफाम वह शख्स अपने पीछे खड़े अपने बॉडी गार्ड को पुकारता हुआ जरा के जरा गर्दन टेढ़ी करता हुआ देखने लगा। मुझे आधे घंटे के अंदर सारी रिपोर्ट्स चाहिए। इस एक्सीडेंट के पीछे कौन है, मुझे जानना है हर हाल में। और फरमान तुम फौरन हॉस्पिटल को खाली करवा। दूसरा तेजे में हुक्म सादर करता हुआ वापस डॉक्टर के जाना मुड़ा। मेरे अंकल का कुछ भी हुआ मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, पूरे इस रात अंदाज में कहता वो डॉक्टर को भी डरा गया था। एम के को कौन नहीं जानता था। उसकी दहशत इतनी थी कि सभी उसके आगे कांपते थे। आप इस शख्स एम के का रूह इरम के जन्म था। इरम का एक सांस आ रहा था एक जा रहा था। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, शायद राय फ्रांड मिल जाए, लेकिन वो क्यों भागे, उसने क्या गुनाह किया था। अचानक से इरम सोते थोड़ी पुर एतमाद हुई थी और नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा था जो उसी के जन्म गहरी नजर से देख रहा था। सर से पाँव तक उसको देखता वही बार फिर इरम के एतमाद को बुरी तरह से डगमगा गया था। गंदमी रंगन की वो लड़की इंतहाई सादा लिबास में इस वक्त बिना मेकअप के थोड़ी बिखरे हुलिया में उसके सामने थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें एक बार सामने वाले को मिसमरेस कर देती थी। बला की कशिश थी उसकी आंखों में। अचानक से अम्मे की नज़र उसके जमी हाथ पर पड़े जिसमें इससे हुन रस रहा था। उसके माथे पर बिल्लों का जाल बना। डॉक्टर वो वहीं से चला था। एक लेडी डॉक्टर बाकी भी वहां पर पहुंची। उसके हाथ को क्यों नहीं चेक किया था, उसने सर ये लहजे में पूछा तो डॉक्टर ने घबरा कर अपना चश्मा दुरुस्त किया और इरम का हाथ देती उसे लिए भी अंदर अपने कैबिन के जाना बड़े। हान साई ये वही लड़की है जो वहाज खान को यहाँ पर लेकर आई है। एमए के पास खड़े होते उसके काम में सरगोशी करने वाला कोई और नहीं, उसका सबसे बड़ा नमक हलाल और राजदार मुलाजम फेरोज था। इस लड़की की ट्रीटमेंट हो जाए तो उसे उसके घर भी हिफाजत पहुंचा दो। एमके ने सिगरेट निकाल कर कश लेते हुए धुएं के मरगुल्ले हवा में छोड़े थे जबकि उसकी सिया आंखें आईसीयू की जन्म थी जहाँ इस वक्त वो हंसती जो उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा अहमियत रहती थी। उसके बाप नदीम हाम से भी ज्यादा, उसके चचा फहाज खान उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रहते थे। उसके दुश्मन हर तरफ फैले हुए थे और इन्हीं में से बहुत से उसकी जान के दुश्मन के साथ साथ उसके चचा की जान के दुश्मन भी बने हुए थे, क्योंकि सब जानते थे कि नदीम हम अपने बेटे से बदगुमान है और उसे कतई ताल्लुक भी। लेकिन वहाज के अंदर उसकी रूह थी, जिसने भी उस बार किया था उसकी रूह ही खींच रही थी। हान साई गुलफाम उसके पास आन पहुंचा था और उसे वो सारी फोटेज दिखाई जिसमें वहाज की गाड़ी को एक ट्रक ने बुरी तरह से उड़ाया था। एम के ने साथी से लाबीचे इसलिए हमें एक शख्स ट्रक से निकलता भागता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसकी कैमरे की तरफ पीड़ थी, चेहरा ना देख पाए, इसलिए हमें उस जन्म से वही लड़की आती दिखाई दी थी जिसने उसके अंकल की जान बचाई थी। ये बात एम ए के दिमाग में बुरी तरह से क्लिक हुई थी। उसने पलट कर देखा जहाँ से वो लड़की अब अपने हाथ और बाजू पर बैंडेज करवा कर बाहर के जाने बाहर थे। एम ए का एक बॉडी गार्ड फेरोज उसके पीछे पीछे चल रहा था। रुको लड़की, एम ए की सख्त गैर आवाज पर इरम के कदम थमे थे और दिल फिर से धड़का था। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा था जब वो यहाँ से जा रही थी कि अब दोबारा से शख्स के पुकारने पर उसका दिल पसलियां तोड़ने बाहर आया था और अपन बाड़ी कदम उठाता हुआ उसके जाना बड़ा और वो तमाम फोटो उसे दिखाए। इरम को समझ ना आया कि वो क्यों ये सब दिखा रहा है। सवालिया नजर से इस हूबरू लेकिन गुस्सीले शख्स को देखा था। ये शख्स नीली शर्ट वाला तुम्हारी तरह भागा, शिकिने तुम इसका चेहरा देखा होगा, कौन था वो। एम ए के ने सत रवैये पर इरम का सांस रुका था। उसने उसकी काली आंखों में देखा जहाँ एक वहशत सी छाई हुई थी, एक अलावा था जो कि सामने वाले को भस्म कर देने की ताकत रहता था। मुझे नहीं मालूम, इरम ने घबराते हुए नासमझी से कहा था। लड़की बनो मत, वो शख्स तुम्हारे सामने से गुजरा था और तुम नहीं जानती, तुमने देखा नहीं है उसे। एम ए के लहजे में बेचकनी थी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। इरम का लहजा रोन गया था और एम ए के उसको देखता हुआ लाभ बेच गया, कहीं तुम भी इस में शामिल तो नहीं। एम ए का दिमाग ऐसा ही था कि वो हर एक को शक की निगाह से देता था। एक्सक्यूज मी, इरम के गाल पर एक आंसू लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। मैंने उनकी मदद की, उनको बचाया, कितनी मुश्किल से उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल लाई सिर्फ इंसानियत के नाते, और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी बात इरम बिना डरे बोली थी, बचाने वाले ही अक्सर मारने वालों में होते हैं। एमए की गहरी बात इरम के ऊपर से गुजर गई थी। इसी वक्त उसके बैग में पड़ा हुआ मोबाइल बजा तो वो दोनों ही चौंके। क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हैं, आ जाएगी इरम। कसवा ने फ्रेश होने के बाहर आते हुए
जबकि तस्लीम बेगम इंतहाई परेशान थी। उससे पहले कभी यूं देर नहीं की, बेटा पता करो काल करो से कहाँ है वो। परेशानी हाथ से बढ़े थी और कस्बा ने एक नज़र उनके परेशान हाल चेहरे की जन्म देखा था, जो उसके लिए यूं कभी परेशान नहीं हुआ था। जितना वो इरम के लिए फिक्रमंद होती थी, कस्बा के लिए ऐसा फिक्रमंद कभी कस्बा ने उन्हें अपने लिए नहीं देखा था। ऐसे क्या देख रही हो, काल करो से तुम्हारे बाबा भी आने वाले होंगे, उन्हें पता चला तो वो भी परेशान हो जाएंगे। कल मैं भी बारिश में भीगती आई, शाम होने को आई थी, लेकिन मेरे लिए आपके चेहरे पर यह परेशानी क्यों ना दिखाई दे। तस्लीम बेगम की फिक्रमंद आवाज़ सुनाई देती तो अपनी सोचों से बाहर निकली और मोबाइल पर इरम को कॉल मिलाने लगी। बेल जा रही थी लेकिन रिसीव नहीं हो रही थी। बिना किसी भी सिक्योरिटी के परवाह किए चौधरी जहांजेब इस वक्त बरहान राजपूत के महल के अंदर दाखिल हो चुका था। किसी ने भी उसे रोकने की जरूरत ना की थी। वो चौधरी जहांजेब आदल था, उसकी दहशत और रोबदार पर्सनैलिटी हर कोई मरकूब हो जाता था। और यहाँ तो बात बरहान राजपूत के दोस्त की थी। हाँ, चौधरी जहांजेब बरहान राजपूत का दोस्त हुआ करता था, लेकिन दोस्ती दुश्मनी में कब बदली यह भी एक माजी का एक हिस्सा था। लेकिन आज पूरे 4 साल बाद वो वापस इस महल में आया था जहाँ पर उसने नहाने की कसम खा रखी थी। आज वो कसम भी टूट गई थी जब बात बहन पर आए। बरहान राजपूत इस महल में घुसकर जोरदार आवाज में पुकारने वाला चौधरी जहांजेब भी हो सकता है। बरहान इस बात को सुनने के लिए कितना इंतजार कर चुका था। अपने कमर से वो निकलता नीचे लॉन्च की जानब बहुत से क्रोफर से बड़ा था। चाल में वही आन बान शान थी जो कभी उसका हासा हुआ करती थी, अब तो सामने वही हंसी थी जिसके सामने ही आज वो अपना जम दिखाता, उसे बताता कि बाजी कैसे उलटते हैं। बरहान राजपूत सुर्ख व सफेद रंगत वाला वो खूबरू नौजवान मर्द दोनों बाजू कमर पर बांधे इस वक्त सबसे ऊपर वाली सीट पर खड़ा अपने सामने तड़पते हुए चौधरी जहांजेब को तकबर की नगाह से देख रहा था। आज ही तो वक्त आया था कि दोनों आमने सामने जिगरी दोस्त दुश्मन बने खड़े थे। जहे नसीब जी आया नू, आज तो राजपूतों की हवेली में बड़े बड़े चौधरी जी आए हुए हैं। एक एक सीट पर सहज सहज कदम रखते वह ऊंची आवाज में चौधरी जहांजेब को अपने अंदाज में वेलकम कर रहा था, जबकि चौधरी जहांजेब की कुटिली नगाह उसके वजूद के आर पार हो रही थी, जिसे बरहान राजपूत अच्छे से समझ रहा था। आमने सामने खड़े इस वक्त वह दोनों दूसरे को इजक तक देखे जा रहे थे। एक ही नगाह में गुस्सा, नफरत और इंतकाम की आग थी तो दूसरे की आंखों में गरूर, तकबर और सामने को बसम कर देने का पुख्ता इरादा था। चौधरी जहांजेब आदल आज 4 साल बाद अपनी कसम तोड़ते हुए राजपूतों के महल को आए थे। नसीब हमारे जाग उठे, वो आए हमारे महल में, खुदा की कुदरत कभी उनको और कभी अपने महल को देखते हैं। बरहान राजपूत ने अपने शायराना अंदाज में चौधरी जहांजेब को जलाना नहीं भूला था। बरहान राजपूत, जो खेल तुमने मेरे साथ खेला ना सो खेला, मैंने उसे फरमोश कर दिया, लेकिन अब जो तुमने खेला मेरी बहन के साथ खेला ना, मैं उसे कभी भी फरमोश नहीं करूंगा। और इस बोझ में तो तुम मत रहना कि मैं तुम्हें कभी भी उसके लिए माफ करूंगा, चौधरी जहांजेब ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। अच्छा चौधरी जहांजेब, आपको किसने कहा कि मैं आपसे माफी मांगूंगा, बरहान राजपूत मसनी अंदाज से माथे पर बात डाले बोले, जबकि उसके आंखों का करूर चौधरी जहांजेब से छुपा नहीं हुआ था। तुमने मेरी बहन से नकाह किया, उसके बाद तुम छुप कर चौधरी जहांजेब की बात करते हुआ बरहान राजपूत पर उंगली के इशारे से नफी कर गया। बरहान राजपूत छुप कर नहीं बैठता, चौधरी जहांजेब अगर ऐसा होता तो पीछे क्लू छोड़कर ना आता, लेकिन तुम्हारी ही सुस्ती, तुम मुझ तक बहुत ही देर से पहुंचे। आपके बार सीने पर हाथ बांधे वो चौधरी जहांजेब को मजीद गुस्सा दिला रहा था। इस सब खेल का मकसद क्यों खेला निकाह का मेरी बहन के साथ? जहांजेब बामिश अपने गुस्से को काबू करता उसे दो बदल हुआ। एक पाल को बरहान से चुपचाप तरंजी अंदाज में मुस्कुराता हुआ देखता रहा। अगले ही पाल सरनफी में हिलाता वो जहांजेब की याददाश्त पर अफसोस करने लगा। 4 साल भूल गए क्या हुआ था 4 साल पहले? तुम भूल सकती हो चौधरी जहांजेब, लेकिन बरहान राजपूत नहीं भूल सकता। आपके बार जिस गुस्से से बरहान बोला था, चौधरी जहांजेब की आंखों के सामने वो लम्हे घूमने लगे थे। कुछ याद आया, वो दर्द, वो तकलीफ जो मुझे 4 साल पहले तुम देकर गए थे, आज वो सूझ में वापस लौटाने का वक्त आ गया है। जहांजेब उसके अंदर बदले की आग को बासानी महसूस करता था। तुम्हें मुझसे मसला था तो मुझसे बदला लेते, मेरी बहन का क्या कसूर था? जहांजेब दान कुचकुचा कर बोला। अभी सिर्फ नकाह हुआ तो चौधरी जहांजेब का ये हाल है, जब वनी का के रुख्सती करवा कर लाऊंगा तब क्या होगा? बरहान के इरादे जानते हुए जहांजेब के माथे पर बल पड़े। कहाँ हो तुम, अभी तक घर क्यों नहीं आई? अम्मी परेशान हो रही हैं, कस्बा ने इरम के काल उठाते इस वालों की बच्चार काट दी थी। जी आप ही, बस आ रही हूँ थोड़ी देर तक। इरम ने एक नजर सामने जलाद बने खड़े उस शख्स के जन्म देखा था जिसे बहुत ही गहरी नजर से जांच रहा था। मिस्टर एम के, इरम ने काल कट की, इसलिए हमें डॉक्टर वहां पर आन पहुंचा था। एम ए उनकी जन्म हो रहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर वहाज इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसे खुशखबरी सुनाई और एम के ने सुकून का गहरा सांस खर्च किया था। मुझे उनसे मिलना है, अगला मुद्दा बयान हुआ। आप थोड़ी देर वेट कर लें, रूम में शिफ्ट करते ही आपको मिलवा दिया जाएगा, लेकिन अभी वो बेहोश हैं, उन्हें होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। एंड यू ब्रेव गर्ल,
डरने सराहने वाले अंदाज में इडम के जन्म देखा। यह सब आपकी हिम्मत की वजह से हुआ। अगर आप वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल ना लाती तो हमारे लिए उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन खुशी हुई आपसे मिलकर और ये जानकर कि इस दौर में भी अभी इंसानियत जिंदा है। डॉक्टर की बात पर एम के ने एक बार फिर पलट कर इस सुनहरी रंगत वाली लड़की को देखा था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें अब पहले से भी ज्यादा रोशन हो गए थे। चौधरी जी ने बुलाया है आपको, परी गुल को मुलाजमा ने सर झुकाए हुए कहा तो वो घबरा गई। इतने दिनों से सबने उसके साथ बोलचाल बंद कर रखी थी। वो चौधरीन की लाडली पोती थी, लेकिन उन्होंने भी उसे कलाम करना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसे कमरे में नजर बंद कर दिया गया था। अब अचानक से बुलावा आया तो वह हैरान रह गई। हिम्मत करते हुए उठी और चौधरीन के कमरे का रुख किया। आपने बुलवाया? परी गुल सर झुकावे बोली। दिल तो चाह रहा था कि तुमसे कलाम करने का भी नहीं, लेकिन जरूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया है। चौधरायन की बात पर परिगुल की आंखों के गोशे नम हुए थे। तुम्हारी एक इस भूल और नासमझी ने हमारा सारा सबके सामने झुका दिया। उनके लहजे में दुख था। परिगुल ने अपने आंसू साफ किए। हमारे पोते जहाजेब को कितनी शर्मिंदगी का सामना कर पड़ा है तुम जानती हो? आपकी बात चौधरायन का लहजा इंतहाई गुसीला था। परिगुल ने नजर उठाते हुए उन्हें कर्ब से देखा था। अब कल का फैसला है तुम्हारी किस्मत का और चौधरियों की इज्जत का। बेहतर होगा उससे पहले तुम खुद को खुद सजा देकर ये किस्सा यहीं पर खत्म कर दो और अपने भाई को सबके आगे शर्मिंदा होने से बचा लो। उनकी बेहसी पर परिगुल खामोश आंसू से उन्हें देखती गई। अपनी सगी दादी उससे कह रही थी कि वो सब खत्म कर दे, मतलब खुद को खत्म कर दे। उसका दिल इतना पत्थर दिल हो जाएगा। परिगुल को उस बात का अंदाजा ना था। अब जाओ यहाँ से और सोच लो, आज रात का वक्त है, फैसला कर लो। अपनी जान ज्यादा सीत है प्यारी है या फिर भाई और खानदान की इज्जत? चौधरी ने सफाकत की इंतहा कर दी थी और परिगुल इन्हीं कदमों से वापस मूर्ति बाहर भाग गई थी, जबकि चौधरी ने अपनी आंखें मोते हुए सर बैठ करोड़ से लगा लिया था। जानती हूँ परिगुल, ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन इस फैसले से हमारी खानदान की इज्जत बच जाएगी। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी मासूम बहन को तुम्हारी इन ऊंचे हथकंडों में आने दूंगा? तुमने मेरी बहन के साथ जो किया उसके लिए अब तुम अंजाम के लिए तैयार हो, क्योंकि कल जिरगा बैठेगा और उस जिरगे में मैं सरदार चौधरी जहां से फैसला करूंगा और तुम वहां पर मौजूद होगे, वरना तुम्हारी मौजूदगी मुझे कैसे करनी है मुझे इतना पता है। अरे 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 सरदार चौधरी जहां से, इतना भी क्या है कि आपको ये लगता है कि मैं वहां पर नहीं आऊंगा? ऐसा मत सोचना, मैं वहां पर जरूर आऊंगा और तुम्हारी बहन को सबके सामने फनी करके लेकर जाऊंगा। रोक सको तो रोक लेना। आपकी बाप ब्रहान राजपूत ने जहांसेब को चैलेंजिंग अंदाज में कहा, और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन के साथ कतई ज्यादती नहीं होने दूंगा। आज बरसों बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों ही अपनी जगह पर खुद को सही साबित करने के लिए डटे हुए थे। अब देखना था कि वक्त किसका साथ देता है, ब्रहान राजपूत का या चौधरी जहांसेब का। मिस कस्बा, आपकी आज मिस्टर वहाज के साथ मीटिंग है, आपको जाना होगा। मीटिंग टाइम शाम 1 बजे का, कोमल ने उसे इतला दी थी। कस्बा थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मिस्टर नदीम तो ऑफिस में आना ही छोड़ चुके थे। सब कुछ वो मिस्टर जहां के अंडर में देख चुके थे और आज मिस्टर जहां भी ऑफिस नहीं आए थे। ऐसे में वो अपना फाइल वर्क कम्प्लीट कर रही थी कि कोमल ने आकर उसको इतला दी कि आज उसे मिस्टर वहाज के साथ मीटिंग के लिए जाना है। कोमल को तो उसके कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो खुद गहरी सोच में पड़ गए थे कि जाए या ना। उसे शुरू से ही शख्स से नेगेटिव वाइब्स आती थी। उसका देखने का अंदाज उसको साथ ही बुरा लगता था और इस दिन वो कैसे सर से लेकर पांव तक गलीज निगाहों से देख रहा था। कस्बा को उस दिन की बातें उसका देखने का अंदाज याद आया तो उसने बेएहतियात झुर्री ले दी, लेकिन वे कमजोर लड़की नहीं थी। सामने वाले से डर जाए वो अपना दफा करना बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए बिना डरे उसने 1 बजे मिस्टर भाई के साथ मीटिंग अटेंड करने का फैसला किया था। इस बात से अनजान कि मिस्टर भाज ने उसके लिए क्या सोच रखा है। वो जैसा मकार और शातिर इंसान कभी भी कस्बा को अकेला पाकर उसे बख्शने वाला नहीं। वो जरूर अपना मकड़ू इरादा आज पूरा करने का सोच कर बैठा था और पूरी प्लानिंग के साथ वो कस्बा का इंतजार कर रहा था। दादू सही कहती है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। पहनान, ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे नकाम में लिया और खुद अपना जाने कहाँ चले गए हैं। किस किस को क्या जवाब दूं मैं, खुद अपनी नजरों में गिर गई हूँ। आज मेरे खानदान पर सवाल उठ रहे हैं, मेरे किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने नकाह किया है, हाँ चुप कर किया, ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती है और इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। और शायद अगर इस गलती के लिए मुझे खुद को भी खत्म करना पड़े तो मैं कर दूंगी। लेकिन बरहान याद रखिएगा, मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आप जहां भी हों आप हमेशा तड़पेंगे सिसकेंगे, लेकिन आपको परिगुल कभी नहीं मिलेगी। परिगुल चौधरी के कमरे से आने के बाद अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी और हयालू में ही बरहान से हम कलाम थी, या शायद दिल को दिल से रहा थी कि इसी वक्त एक मुलाजमान ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया।
बड़ी गुल अपने आंसू पोंछते हुए इस उसे अंदर आने की इजाजत देती। वो मुलाजमा थोड़ा घबराई हुई थी और डरते झिझकते हुए उसने एक मोबाइल बड़ी गुल के जानब रहा था, उसको इशारा किया था कि उसको कान के साथ लगाए और खुद कमरे से बाहर निकल गई थी। बड़ी गुल ने हैरानगी से उसका आना, उसको मोबाइल देना और उसका वापस जाना नोट किया था और फिर उसने मोबाइल को अपने कान के साथ लगाया था। हेलो हेलो बड़ी गुल, कैसी हो? मुकाबले की बारी मर्दाना आवाज सुनती बड़ी गुल का दिल सीने में बुरी तरह से धड़का था। एक पल के लिए उसके हाथ पैर साकत रह गए थे। उसे यकीन नहीं आया था कि अपनी समातों पर कि उसने वही आवाज़ सुनी या उसे गुमान हुआ था। क्या हुआ परीगुल, तुम खामोश क्यों हो? आवाज़ एक बार फिर आई थी। परीगुल ने अपने लब वार किए थे कि वो बात कर सके, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। परीगुल, आखिरकार तुम्हारा भाई मुझ तक पहुँच ही गया, लेकिन एक बात याद रखना, कल जिरगे में तुमने अगर मेरे साथ ना दिया तो भूल जाना कि तुम किसी ब्राह्मण को जानते भी थे। ब्राह्मण के साथ के लहजे पर एक पल को परीगुल चौंके। ये वो ब्राह्मण ही था जिस पर गुल ने निकाह किया था, जिसका लपो लहजा तो बिल्कुल ही बदला हुआ था। और अब मेरी बात गौर से सुनो, कल तुमने जिरगे में बढ़ान अपनी तमाम बात परी गुल के गोश गुजार कर कर काल काट गया था। उसने परी गुल को नहीं सुना था, बस अपनी कहकर अपना हुक्म सुनाकर वो मुतमिन हो चुका था। और परी गुल होनकू की तरह मोबाइल को देखती लब सीए बैठी हुई थी। आंसू एक बार फिर से गल पर बह कर नीचे गिरते चले गए थे और थोड़ी देर बाद वही मुलाजमा अंदर आई और परी गुल के हाथ से मोबाइल लिया। बीबी जी, किसी को बताना मत कि मैंने आपकी बात करवाई है, वरना मुझे कोई छोड़ेगा नहीं, वो घबराते हुए कहती खामोशी से बाहर निकल गई थी। बड़ी गुल वहीं पर बैठी अपनी किस्मत को रोने लगी। एक तरफ भाई की इज्जत, खानदान की इज्जत और दूसरी तरफ शोहर, वो जिसने नकाम में तो लिया था लेकिन कबूल नहीं किया था, और अब झिड़के में वो उसको ऐसी बात कहने को बोल रहा था जिससे उसके खानदान की इज्जत मजीद मट्टी में मिल जाती है। बड़ी गुल ने अपने आंसू पोंछे और एक अजम के साथ उठी। वो अब मजीद अपनी जात को तमाचा बने नहीं देगी, अपने खानदान की हालत अपनी जान कुर्बान करेगी। आखिरकार एक फैसले पर पहुंचते हुए उसने अपने कदम कमरे से बाहर रखे। इरम जब से शस एमसीए से मिली थी बेहतारी से सोचे चली जा रही थी। वो 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। उसके हाथों और बाजू पर जो जख्म थे उनको बढ़ने में भी वक्त लगना था। तस्लीम बेगम ने जब उसके जख्म देखे तो वो बहुत रोई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की हिम्मत की दाद दी कि उसने एक मरते हुए इंसान की जान बचाई थी। शेर साहब भी अपनी बेटी की इस बहादुरी से बहुत ही खुश थे। उन्हें हमेशा कस्बा को बहादुर और नरदार अंदाज में देखा था और आज पहली बार इडम ने भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए हिम्मत और बहादुरी दिखाए थे। शेर साहब ने इन वालदैन में से नहीं थे जो अपने बच्चों के ऊपर बेजा रोक टोक लगाते। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को मजबूत, बहादुर और नडर बनाया था ताकि वो वक्त पड़ने पर हालात और वाकत का मुकाबला कर सके। इडम के अंदर थोड़ी सी खुद एतमादी की कमी थी, वो थोड़ी सी डरपोक वाकई हुई थी, छोटी सी बात को अपने दिमाग पर हावी कर लेते थे, जबकि कस्बा बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकी में हल करने की ताकत रहती थी। और आज पहली बार इरम ने अपनी नाजुक जान से बढ़कर काम किया था तो घर वाले वाकई उसके इस अमल से बहुत ही खुश थे, सबने उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। लेकिन एक वो प्यारी सोच वाली मासूम लड़की इस क्लासिक इंसान को सोचे जा रही थी जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, यहाँ तक कि उसका असल नाम भी नहीं जानती थी। सो इतना कि वो एक एम के था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका चलने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज इरम को कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ तो उसमें ऐसी खास बात थी कि इरम उसको यूं बे एहतियात सोचे जा रहे थे, और इस बात का इलम इरम को भी नहीं था कि वो क्यों ऐसा कर रही है। एम के जेरे लब दुराती हुई उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी।